सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दसवीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि प्रमेयिका क्या है। इसके लिए आपको मैट्रिक के एग्जाम पेपर में चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन में दिया गया दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया यह एक सिद्ध करने वाला कथन है। ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार क्वेश्चन नंबर ए का क्या सही जवाब होगा, जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन दो को देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या चीज़ को हल किया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया जाता है दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या लसा ज्ञात किया जाता है, नहीं ज्ञात किया जाता है। दो धन पूर्णांकों के बीच में मसा ज्ञात किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन तीन को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन तीन में कहता है कि 2.3 पे रेकरिन अर्थात बार दे दिया गया है का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो जब इसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये 7/3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस पर एक और लेटी वीडियो हमारा तो बनाया जा ही चुका है, लेकिन चाहते हैं परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने वाला एक अलग से आप 2-4 मिनट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे। अगला सवाल क्वेश्चन चार कहता है कि 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए आभास संख्या के गुणनखंड में 2 के अलावा कौन सा आभास संख्या का गुणनफल के रूप में होना चाहिए। दोस्तों 4n को आभास संख्या है, 4n को शून्य पर समाप्त होने के लिए आभास गुणनखंड में 2n के साथ साथ 5n का होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो 2 तो यहाँ पे दिया गया है लेकिन 5 नहीं दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 5। अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कि px में दिया गया x² + 3x + 2 में बहुपद का घात का होगा। यहाँ पे घात पूछा गया है तो दिया गया x² + 3x + 2। देखिए तो दोस्तों जिन बहुपदों को घातों की संख्या 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चर x है जिस पे अधिकतम घातों की संख्या 2 है, अतः हम कह सकते हैं कि इस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 2 होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 6 कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को शून्य ज्ञात करके बतलाना होगा, शून्य कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो x² + 3x + 2 दिया गया है, यदि x² में 2 शून्य कीजिएगा तो 2 होगा, जो कि प्लस में है। तो ये जो आपका प्लस में 3 दिखाई दे रहा है इसे ऐसे 2 संख्याओं में हमें बांटना होगा कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो +3 आना चाहिए, यदि गुना करेंगे तो 2 आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2x और x को लेना होगा। 2x में x जोड़ेंगे तो 3x भी हो जाएगा, और 2x में x गुना करेंगे तो 2x² भी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि x² को सेम टू सेम लिखेंगे, 3x के बदले में हमें लिखना है 2x और प्लस में x लिख देना है। इससे क्या होगा कि 2x और x मिलकर 3x भी हो जाएगा। 2x में यदि x से गुना कर देंगे तो 2x² भी आ जाएगा। +2 को सेम टू सेम लिखिए। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा तो x² और x कॉमन मिल रहा है, तो यदि हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x+2। यहाँ से दोस्तों हम लोग 1 कॉमन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा x+2, और ये दोनों संख्याओं को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। आप सभी को मालूम होगा x+1 यदि लिखा जाता है तो x ये जाकर +1 ये -1 में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि x + 2 = 0 लिखेंगे तो x ये जो +2 है बराबर कर जाकर -2 हो जाएगा। इसे हमें ये पता चलता है कि x का मान -1 और -2 होगा। दोस्तों -1 और -2 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन 7 कहता है
कि पी एक्स में है एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस का शून्य अल्फा कुमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला सी बटा ए होता है। सी का मान की बात कीजिएगा तो 10 दिया गया है ना, तो 10 लिख दीजिए। ए का मान यहाँ पे एक से स्वयं गुणांक तो कुछ भी नहीं है, तो एक मानेंगे। यदि 10 में एक से भाग लगा भी दीजिएगा ना, तो 10 ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बोला गया है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी का एक शून्य का माइनस दू है, तो पी का मान क्या हो जाएगा। तो आसान तरीका से अगर ऑप्शन से बनाना चाहिए गणना, तो देखिए क्या कीजिए कि पी का मान पहला ऑप्शन चलते हैं, तो पी एक्स स्क्वायर दिया गया, तो हम 6/5 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 3x और प्लस 6/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका शून्य हमें -2 लाना है, तो इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो -2 आपका शून्य आ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि p का मान हम लोग 6/5 रखेंगे, तो p एक का जो शून्य है वही पहला शून्य -2 आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, समीकरण निकाय एक्स प्लस टू वाई बराबर 3 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे यदि k का मान, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अनगिनत हल होने का आसान तरीका है, a1/a2 लिखेंगे तो 1/5 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2/ अगर k का मान 10 रख देंगे तो ये भी 1/5 होगा। तीसरा में तो ऑलरेडी 3/15 दिया गया है, तो 3×5=15 ये भी 1/5 हो जाएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी समीकरण निकाय को अनगिनत हल होने के लिए आसान फार्मूला a1/a2 बराबर में होना चाहिए b1/b2 बराबर में होना चाहिए c1/c2। ये कब होगा, जब हम k का मान 10 रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक a1/a2 बराबर b1/b2, तो वहीं पे बराबर में c1/c2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से अविरोधी युग्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है कि AP 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या हो जाएगा। दोस्तों सार्व अंतर किसे कहते हैं, तो पहले तथा दूसरे पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। D बराबर एक फार्मूला आता है a2 - a1, यहाँ पे a2 का मान की बात कीजिएगा तो 17 हो जाएगा, a1 का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 17 में से 12 घटा लीजिए। है दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि यदि हम लोग 17 में से 12 घटाते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए, तो क्वेश्चन 12 कहता है कि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो b बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे b बराबर क्या होगा, तो b को जब यहाँ से हम लोग हटा देंगे ना, तो ये a+c हो जाएगा और बटा में 2 बचेगा, तो b बराबर a+c/2 ऑप्शन b में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन b हो जाएगा। आप क्या आपको लगता है कि इसका सही जवाब ऑप्शन c होगा, यदि लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 13 को देखिए, दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि ap-3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या हो जाएगा। यहाँ पे a का मान -3 हो जाएगा। d कैसे निकाला जाता है, तो अभी हम आप सभी को बताए हैं, a2-a1 से निकाला जाता है। तो a2 का मान की बात कीजिएगा तो -1/2 दिया गया है, -a1 का मान -3 है, तो -3 हो जाएगा। यदि 2 और 1 LCM लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, -1 में 1 करिए -1 हो जाएगा, 3 में 2 करिए 3×6 हो जाएगा। अब -1 + 6 मिलकर आपका 5 हो जाएगा, यानी 5/2 आपका d का मान आ चुका है। याद रहे d का मान कितना है, 5/2 आया है। हमें ज्ञात क्या करना है, 11वां पद। 11वां पद ज्ञात करने का आसान तरीका, a+11 में से a कम कीजिए, इसके साथ d लगा दीजिए, तो a का मान यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस 10 × d का मान यहाँ पे आया है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे। अब ये 2×5=10 से 5 मरतबे कट जाएगा, यानी बचेगा -3 और प्लस में बचेगा 5×25, यहाँ पे 25 बच जाएगा। हे दोस्तों, -3 और प्लस 25 मिलकर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 22 होता है।
चलिए ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं, तो ऑप्शन बी में 22 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4.10.16.22.28 का सार्वंतर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सार्वंतर के मतलब डी का मान क्या होगा, फॉर्मूला A2 - A1 होता है। A2 का मान 10 है तो 10 लिखिएगा, A1 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा। दोस्तों 10 में से 4 घटा दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी में 6 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल बोला गया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी² और 121 सेमी² है। यदि EF बराबर 15.4 हो तो BC का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए ये होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF होता है, और यहाँ पे हो जाता है BC² बटा हो जाता है EF² दोनों पर से स्क्वायर हटा दिया जाता है ना, तो ये 64/121 पे रूट आ जाता है। तो 64/121 यदि आप इस तरह लिखे रहते हैं तो 64 के बदले में आपको 8 लिखना पड़ता है, 121 के बदले में 11 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे BC² के बदले में BC हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है 15.4। उसके बाद में इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है तो 11/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 15 तक के ही मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में आप सभी को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर पूरे 100 तक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मोबाइल पर मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। साथ ही सभी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के साथ questionforexam.com वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए और वहाँ पर आप जाकर 10वीं का क्विज भी खेल सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।